देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां पर एक स्कूल के अध्यापक ने एक छात्र का एडमिशन सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि छात्र के पास एडमिशन फीस में महज 5 रुपए कम पड़ गया था। मामला बांसडेही इंटर कॉलेज का है, जहां पर अध्यापक ने एक छात्र का नाम काट दिया। छात्र के दिए जा रहे फीस में 5 रुपए कम था। देखिए बलिया से हमारी ये रिपोर्ट। दरअसल बलिया जनपद के बास्टी इंटर कॉलेज में कक्षा 10वीं का छात्र अंकित अपना एडमिशन करवाने के लिए स्कूल पहुंचा। स्कूल की तरफ से एडमिशन फीस के रुपए में 1120 रुपए की मांग की गई और अंकित ने 1115 देने की बात कही, जिसके बाद अंकित के क्लास टीचर शिवजी पांडे भड़क गए और अंकित के पास 5 रुपए कम होने के कारण उसको वापस घर भेज दिया और कहा कि अगर तुम 5 रुपए नहीं ले आओगे तो तुम्हारा नाम नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद छात्र ने SDM दुष्यंत कुमार को पत्र लिखकर मामले से अवगत कराया और विद्यालय प्रशासन पर अवैध फीस वसूली का आरोप भी लगाया। इसके बाद SDM ने जांच के आदेश दे दिए। संज्ञान में है, पुलिस को शिकायत करने आए थे तो शिकायत पत्र लेकर के और उस पर जांच के लिए भेजा गया है। जांच में जैसा आएगा उसको कार्रवाई करेंगे। ये बच्चे किस मांग को लेकर आपके यहाँ आए थे? अभी मांग ये लेकर आए थे कि फीस में ज्यादा फीस दी जा रही है उनसे, और आप लोग के माध्यम से पता चला कि किसी बच्चे को निकाला गया फीस की कमी की वजह से, तो दिखवाएंगे जो भी जांच में जैसा भी आएगा उसको कार्रवाई करेंगे। सर, ये कौन से स्कूल का मामला? ये बांसडेही इंटर कॉलेज का बताया। सर, ये कोविड के दौरान कोरोना के दौरान जो हर चीज़ ऐसी पब्लिक परेशान है और खासतौर से विद्यार्थी परेशान है। अब इसमें जैसा भी शिकायत है, जो शिकायत आप लोग की है जैसा भी, अगर वो उचित पाया जाएगा तो उस पर निमर्शन कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी एक जिस तरह से आगरा तबाही मचा रही है, बंधक का भी रिसाव भी हो रहा, सर ये किस गाँव का और क्या है इसे? लगातार जो घाघरा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, रास्तों का जलस्तर घट गया है और घाघरा का जलस्तर बढ़ा, उसके अनुसार हम लोग बाढ़ चौकी एक्टिविट है और लगातार हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। जो सी भी जो सब कार्रवाई करना कार्रवाई की जा रही है, निरीक्षण लगातार करना, जहाँ भी मरम्मत बाढ़ विभाग के साथ समन्वय बना करके और उसकी व्यवस्था करना ताकि वहाँ किस तरह की कोई घटना ना हो, और ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, ये कितने अभी जगह रिसाव कर रहा था बंदा, जो डीएस बंदा है आपका? हाँ, कितने जगह रिसाव कर रहा था सर? ये वो रिसाव नहीं कर रहा है, सबको जानकारी में हमारे नहीं, कोई रिसाव कर सर एक प्रधान द्वारा ही बताया गया है कि साहिब इसमें लगातार बाढ़ विभाग के तो जो रेन कट होते हैं बारिश की वजह से कट जाता है, रेन कट की वजह से बाढ़ विभाग के द्वारा लगातार मरम्मत की जाती है। जहाँ भी बारिश की वजह से कोई रेन कट होता है वहाँ पर लगातार जाकर वो अपना लगा कर मरम्मत करते हैं। सर, कितने गाँव इससे प्रभावित हुए हैं अभी बाढ़ से? बाढ़ से जो बंदे के पार जो 56 गाँव ऐसे जो प्रभावित हमेशा होते रहे हैं, और उसमें अब चूंकि वर्तमान में भी बाढ़ का जो स्तर है उससे अभी किसी सारे प्रभावित नहीं है, और निश्चित तौर पर जल का स्तर बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे आबादी तक पानी भी कुछ जगह पहुँचा है, कुछ जगह नहीं पहुँचा है। जहाँ भी पहुँचा है वहाँ पर उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पर नाव सुविधा लगाने में नाव लगाई जा रही है, जहाँ पे जी। सर, इसमें कितने फसल नुकसान हुई है? ये सर्वे करने के बाद पता चल पाएगा, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रॉपर नहीं कर सकते। अभी कुछ छात्र तहसील पर गए थे और SDM महोदय को पत्र किए हैं। मामला ये है कि आपके विद्यालय में जो फीस रेट है उससे अधिक शुल्क लिया जा रहा है, क्या सच्चाई है? बच्चों ने 10 तारीख को मौखिक शिकायत हमसे किया हुआ था, ठीक है, तो 10/7/2020 को पुनः आदेश समझौता पर हमने आदेश निरस्त किया और इसमें यदि ऐसी शिकायत आ रही है तो जो भी टीचर निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क ले रहा है वो इसके लिए उत्तरदायी है। आपसे क्या शिकायत की थी बच्चों ने? फीस अधिक लेने के संदर्भ में मौखिक शिकायत हमसे की गई थी 9 तारीख को। सर, क्यों बताइए? इस क्रम में हमने 10/7/2020 को आदेश निर्गत किया था और उसमें हमने लिखा था कि विद्यालय के आदेश पंजिका पर निर्गत एवं निर्देशित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अविहित शुल्क किसी भी दशा में कदापि न लें, इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं इसके उत्तरदायी होंगे और हस्ताक्षरी के कार्यालय से रसीद बुक प्राप्त कर लें। सर, ये आदेश और आदेश पर कुछ आदेश पुस्तिका में लिखा है तो मेरे आदेश का पालन अध्यापकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। नहीं सर, तो क्या ये आदेश के विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई करेंगे आप? क्या अपने अधिकारियों से विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्रधानाचार्य को नहीं है, यह अधिकार प्रबंधक को है। सर, ये बताइए, आपने आदेश पुस्तिका में नहीं नोटिस लिखी है? हाँ। आपने नोटिस बोर्ड पे नहीं लिखवाया? आपने पेपर में गजट नहीं करवाया इस नोटिस को संज्ञान माने के बाद भी? चस्पा भी किया गया है। कहाँ नोटिस बोर्ड पे? चस्पा नहीं था ये? चस्पा
फाड़ दिया गया बच्चों से, बच्चों फाड़ दिया जाता है, ये आपके सामने पड़ा हुआ है। आपने पेपर में क्यों नहीं गजट कराया? चस्पा होता है, ये फाड़ दिया जाता है। आपने पेपर में क्यों नहीं गजट कराया? पेपर में नहीं गजट कराया, ये हमारी त्रुटि हो सकती है। सर अभी जिस पत्र को आप दिखा रहे हैं इसमें आपका सिग्नेचर है ही नहीं। सिग्नेचर आदेश पंजिका पर है। नहीं, जो चिपकाने की बात हुई थी सर, जो शुल्क आदेश पंजिका पर है इसका सारांश है, जोड़ जैसे यहाँ लिखा गया है 461 रुपए, 461 रुपए। अच्छा सर, किस डेट को चिपकाया गया? ये 2 तारीख उखाड़ा, किस डेट को गया? ये चिपकाने के तुरंत बाद निकल जाता है। तो जब आपके संज्ञान में ये बात है तो आपने दूसरा रास्ता क्यों नहीं अपनाया ताकि जन जन तक ये बात? मैं 5-6 बार चिपका चुका हूँ लेकिन इसको नष्ट करा दिया। तो आप 5-6 बार जाने के बावजूद पेपर में नहीं गजट कराया आपने? बच्चे आते हैं हमसे डायरेक्ट पूछते हैं, निर्धारित जो शासन द्वारा निर्धारित शुल्क है उस पर मैं शासन की मंशा की छात्रों को खासतौर से गरीब छात्रों तक शिक्षा पहुंचाई जाए। जो गार्जियन मेरे तक पहुंच जाते हैं, जो गार्जियन इधर उधर घूम रहे हैं, क्लास टीचर जिनको सही फीस की जानकारी नहीं, उनसे अध्यापक अधिक। सर इस बात को आप मानते हैं ना कि आपके यहाँ पे गार्जियन आते हैं, गार्जियन आते हैं फीस की शिकायत को लेकर? जैसे यही गार्जियन आए हुए हैं तो इनको मैं कहा कि ओरिजिनल ये है, आप ये पी लेंगे। कोई कौन सा, इनको बताइएगा सर कौन सा फोन कर दिया? नाम क्या है आपका? मोहन तिवारी नाम है सर। क्या नाम है आपका? मोहन तिवारी। कितना फीस मांग गया? अभी कहाँ आए हैं और क्या है मामला? मामला ये कि हम नाइन्थ तहसील में आए हैं। मामला ये हमने सर मंगलवार के दिन इंटर कॉलेज में गया, सर से पूछा सर एडमिशन फीस का कितना लग रहा है, तो उन्होंने कहा 1120 रुपये लग रहा है। तो हमने कहा कि सर इतना तो पैसा नहीं लगता था पहले, इतना क्यों लग रहा है? तो वो उन्होंने हमसे कहा कि बहुत बड़ा पत्रेज करे वाला पैसा दो, तो दोनों तो जा घर है। तो हमने कहा कि सर हमने 1115 रुपये लाए, 5 रुपये बाकी लगा देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं 5 रुपये ली वो तभी कारण नाम लिखाएंगा तो ना लिखे। हमने घर गया और घर से 5 रुपये लाया और 1120 रुपये में अपने नाम लिखा लिया। जी तो अभी जहाँ आए हैं SDM के पास आए हैं, क्या आश्वासन दिए SDM ने? SDM साहब ने कहा हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। कार्रवाई की बात कही जी सर, उन्होंने कहा